हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि मेरा GoPro Hero 9 आ गया है। साथ में हमने एक बैटरी मंगवाई है उसकी, और ये हमारा मीडिया मोड है, ये एक ट्राइपॉड है, यहाँ इसमें कुछ GoPro का लेंस प्रोटेक्टर है, और ये है हमारा माइक। तो अभी हम लोग एक एक करके सब देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या निकलता है। और वैसे तो मैंने लगभग सबको ओपन करके देख लिया है कि कैसा क्या है अंदर, बट अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया है और ये ओपन नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें तो अभी फर्स्ट टाइम ओपन होंगी। दो चीज़ें बची हुई हैं, एक है चार्जर, बैटरी का एक्सटर्नल चार्जर जो बाहर से चार्ज कर सकते हैं बैटरी को, और एक बचा हुआ है मेमोरी कार्ड। वो आज ही दोनों डिलीवर हो जाएगा, बट इतना कुछ खास नहीं था कि उसको भी वीडियो में डाला जाए, वो तो आगे पीछे ब्लॉग में आप देख ही लेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं GoPro Hero 9 को और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है, कैसा है GoPro Hero 9। उसके बाद फिर मीडिया मोड को, देन बैटरी, और ये तो अभी ये खाली डिब्बा है क्योंकि इसका जो ये है वो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है फ़ोन में। और फिर इसको भी ओपन करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे ये माइक लगा के कि ये कैसा काम करता है। वैसे जिन्होंने ये माइक मुझे दिया है उनका कहना ये सोनी का माइक है, अब वो तो पता चल ही जाएगा लगाने के बाद। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यही मैं यूज़ करूँगा, वरना फिर कुछ और मंगवा लेते हैं। तो सबको हटाते हैं और ओपन करते हैं GoPro Hero 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं इसको ओपन कर चुका हूँ क्योंकि ये एकदम सील पैक आया था, और इस पे लिखा हुआ है GoPro Hero 9 ब्लैक हाइपर स्मूथ 3.0। इसमें डबल स्क्रीन आती है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5K 30 फ्रेम प्लस 4K 60 फ्रेम। और ये GoPro की सबसे ख़ास बात ये है कि यार ये वाटरप्रूफ है, 33 फीट मैक्सिमम 10 मीटर की गहराई तक आप पानी में जा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होने वाला है। लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इसके साथ में, ये सब माउंट्स वगैरह, ये हाँ ये सब इसके अंदर रखा हुआ है। ये बॉक्स है चार्जिंग केबल, और ये थोड़ा सा एक माउंट है, ये है, और ये बैटरी, और एक GoPro, और 1 ईयर की वारंटी आती है इसके साथ में। 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5K 30 फ्रेम, और ये वाटरप्रूफ। वॉइस कंट्रोल, एक खास चीज़ यही है कि अगर आपका GoPro ऑफ है तो उसको बोल सकते हो GoPro ऑन, GoPro रिकॉर्ड, GoPro कैप्चर फोटो, मतलब ये सारी चीज़ें ये वॉइस कमांड के थ्रू करेगा, जैसे आईफोन में सीरी और सैमसंग में बिक्सी भी करती हैं। स्लोमो एटेक्स की है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेटा ओवरलेज पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। टाइम रैप, ये टाइम लैप्स कुछ लोग बोलते हैं, कोई टाइम रैप बोलता है, वो भी है। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो आप फुल HD में, और रॉ फोटो भी निकाल सकते हो फुल एडिटिंग करने के लिए। सुपर फोटो प्लस HDR, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेब कैम मोड भी इसमें आता है, आप इसको एज ए वेब कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में टच स्क्रीन, बट इसकी रेयर स्क्रीन टच है, और फ्रंट जो है वो सिर्फ दिखने के लिए, उस पर कोई टच वच नहीं है। तो ये सारी कहानी हो गई, अभी इधर क्या है कुछ नहीं है। ये ऐसे पैक था, और इन सब का प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखता जाएगा कहाँ से मिला है, कितने का मिला है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको साइड में करते हैं और इसको ओपन करते हैं GoPro को अपने। तो ये है अपने GoPro का बॉक्स, आई थिंक ये ओपन ही तो इसमें कुछ इधर की चीज़ें हैं जो दिखा दूं मैं। ये कुछ किताबें हैं, कौन पढ़ेगा इसको, देखो यार साइड में। ये इसकी बिल है, और ये इसका कुछ स्टिकर है जो बहुत सारे लोग हेलमेट पे और बाइक पे लगा लेते हैं, बट मुझे कहीं नहीं लगाना इसको, देखते हैं कहीं लगाना होगा तो लगा लूँगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक माउंट ये मिलता है इसमें हेलमेट में लगाने के लिए, तो ये ऐसे होना है इसको, और इसको भी साइड में रखते हैं। ये इसकी चार्जिंग केबल है, USB 2 Type-C, अच्छी ही होगी, मैंने चार्ज किया था ठीक ठाक है। और ये एक इसमें मिल रहा है, ये जो रबर आप देख रहे हैं ये हमसे टूट गया था, थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ हिस्सा, ये इसके अंदर लग कराया था, इसमें ऐसे लगा हुआ था ये। अब इसको लगने के बाद यार ये इसमें जा ही नहीं रहा था, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। अब इसका क्या काम है मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका काम क्या है। चलो इसको इधर साइड में रखते हैं,
और फिर निकालते हैं अपना गोप्रो। तो ये फाइनली अपना गोप्रो सामने दिख गया और ये डबल स्क्रीन है, इसके ऊपर भी एक फिल्म लगी होती है जो यहाँ पे लगी है, आप देख रहे होंगे इधर भी लगी होती है। तो मैंने इसको हटा दिया था यहाँ वाली को, कुछ हम वीडियो वीडियो ऐसे देख रहे थे कैसा आता है कैसा नहीं आता है, बट मेमोरी कार्ड नहीं है जिसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसको हटाते हैं और ये डिब्बे में और कुछ नहीं है, नीचे खाली है पूरा, इसको करते हैं साइड। अब डिटेल में इसको देखते हैं क्या है यार ये। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये लेंस आप हटा सकते हैं और फिर दूसरा अगर इस पर स्क्रैच लग जाए तो आ जाता है, लग जाएगा। साथ में इसको हटा के मैक्स लेंस भी लगा सकते हैं और अलग अलग तरह के कलर भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ का ये स्क्रीन का जो ये लगा हुआ है ये हम हटा देंगे क्योंकि मैंने अलग से मंगवा लिया है, इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पे लगाने के लिए भी मैंने अलग से मंगवाया है जो कि इसमें है, इसको करते हैं ऑन। वाओ, तो ये अपना गोप्रो ऑन हो चुका है। और फ्रंट स्क्रीन तो अभी मैंने इसकी ऑफ कर दी थी तो उसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ आ गए हम और ये आई थिंक फ्रंट स्क्रीन का नहीं है, ये है। यहाँ से इसकी अगर हम ये करेंगे तो स्टेटस दिखेगा, इस तरह का दिखेगा सिर्फ, इस पे वो नहीं दिखेगा जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन पे। और सीधा आ जा, यहाँ पे करेंगे तो एक्चुअल स्क्रीन दिखेगी जिस साइज में हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो ऐसे ही दिखेगा। अरे यार इसमें तो मैं दिख रहा हूँ मेरा iPhone 12 से रिकॉर्ड हो रहा है ये तो। और अगर आपको फुल स्क्रीन लेनी है तो ये ऑन कर दीजिए, फुल स्क्रीन ये सामने लिख कर आ रहा है अभी, क्या ना कि ये फुल स्क्रीन आएगा लिख के, दिखा रहा अब इस पर फुल स्क्रीन आएगा। और इसका क्या है, लास्ट वाले का फंक्शन क्या है, फ्रंट कहाँ गया यार ये? अच्छा ये टैप सिर्फ होता है बस ये। तो अभी इसका स्क्रीन कर देते हैं ऑफ़ क्योंकि बैटरी कुछ ज़्यादा ही ले जाएगा ये, स्क्रीन ऑफ़ कर दिया है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है कैसा नहीं काम करता है ये। इसका जो टच है यार वो इतना अच्छा नहीं है जो फ़ोन में होता है, मतलब बस ऐसे ही काम चलाने भर का है टच। और ये देखिए इसमें यहाँ से इसके मोड्स हैं, ये कस्टम मैंने खुद से बनाया था, अभी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेमोरी कार्ड नहीं थी, मैंने ऐसे बना रखा है। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्टिविटी है, सिनेमैटिक है, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा, स्लोमो है। तो अभी आप मान लीजिए हम लोग कस्टम पे जाते हैं या स्टैंड कस्टम पे जाते हैं तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम इसकी वो क्या है, 5K 30 फ्रेम तक आप 25 फ्रेम तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे 30 फ्रेम रिकॉर्ड होता है, बस हमारे यहाँ का इंडिया का जो लाइट का हाइटेज कुछ करके होता है वो 50 है, मैंने इसमें 50 लगा रखा है। तो जब आप 50 लगाओगे तो फिर 25, 50, 100, 200 फ्रेम में आएगा। और अगर आप 60 लगाओगे तो 60, 30, 60, 120 और 240 में ये फ्रेम रिकॉर्ड करेगा। तो वो काफ़ी डिटेल की वीडियो, वो आप किसी भी उस पर देख लेना कैसे क्या उसका काम करता है। बट जितने भी इंडियंस हैं उनको 50 लगाना चाहिए, और कहाँ से लगेगा वो मैं बता देता हूँ। प्रेफरेंस में जाना है, जनरल में जाना है, और फ्लिकर, एंटी फ्लिकर, ये हमारे यहाँ की लाइट्स जो होती हैं ट्यूबलाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 50 हर्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसजेड जो भी है, ये 50 लगेगा। अगर 60 लगा देंगे तो 30, 60, 120, 240 फ्रेम आएगा, 50 लगा देंगे तो 25, 50, 100, 200 आएगा। तो इसको करते हैं चेंज, ये तो फोटो में आ गया। वीडियो मोड कस्टम में आपने देख लिया कि हाइपर स्मूथ ऑफ है, इसको भी आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा मैं कैसे ये काम करता है। बस ये जान लीजिए कि हाँ ये आ गया है। और यहाँ से इसकी बैटरी ओपन हो जाती है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हम लोग, इसको नीचे करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगी आपकी, बट इसके लिए आपको मीडिया मोड लगाना पड़ेगा वरना फिर ये किसी काम का नहीं है। और इसको पुश करके इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, ये आई थिंक इसका माइक है। और ये यहाँ से पानी निकलेगा अगर इसको हम लोग वाटर अंडर वाटर लेके जाएंगे। तो चलो फिर इसका तो आपने देख ही लिया हमारा GoPro Hero 9। और अब ये है,
इससे शूट स्टार्ट होगा, यहाँ से ऑन ऑफ होता है और मोड चेंज होता है। इसको करते हैं बंद और दूसरा बॉक्स ओपन करते हैं। तो ये फाइनली सेकंड बॉक्स है और ये है अपना मीडिया मोड। ये भी गोप्रो का ही है ओरिजिनल, और आई थिंक गोप्रो का ही आता ही है। तो ये सिर्फ वेदर रेजिस्टेंट है, इसको लेके पानी में मत जाना। साथ में डायरेक्शनल माइक का ऑप्शन है इसके अंदर, और 3.5 mm माइक पोर्ट है इसमें। HDMI आउट पोर्ट है, USB Type-C पोर्ट है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। इतने का आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, बट इसको लगाने के बाद फिर आपका सेटअप चालू हो जाता है। और तो कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें क्या क्या मिला है, एक इसमें ये मिला हुआ है मुझे, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। और दूसरा एक माउंट ये मिला हुआ, तो निकल जाए भाई। अरे यार, एक ये मिला हुआ है। ये दो चीज़ें सेम एज वहाँ पे भी था ये, तो दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं है, मुझे तो लग रहा है एक ही चीज़ है ये। और नहीं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ये ज़्यादा निकला हुआ है, ये निकला हुआ कम है, तो ये तो फ़र्क दिख रहा है ठीक ठाक। हो सकता है इससे मेरा काम हो जाए हेलमेट में। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, साथ में फिर निकालते हैं मीडिया मोड। ऐसे ही लगेगा, ये लग गया। बट थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना दिखने में, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट ब्लॉगिंग करने के लिए तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। आई थिंक इसकी डिटेल जो मैंने पढ़ी थी वहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर हवा चल रही है तो ये माइक बहुत अच्छा काम करेगा। वहाँ तक, उससे ऊपर चलेगी तो फिर विंड नॉइस आ सकती है। ये विंड नॉइस को काफ़ी तक रिड्यूस करता है। अब ये कैसे ओपन होगा भाई, निकल जा। तो यार ये निकल गया किसी तरीके से, और मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी इसको लगाने के लिए क्योंकि एक्सटर्नल माइक ही लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप एक लाइट लगा सकते हो, और यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी लाइट या फिर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो। एक डिस्प्ले आता है बाहर से लगाने के लिए, ये बटन आपका काम कर जाएगा और ये आपका काम कर जाएगा गोप्रो के लिए। ये आई थिंक ऐसे लगेगा, ऐसे। हाँ, आप यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये आपका 3.5 mm माइक का है, और ये है चार्जिंग करने के लिए, और ये है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट किस काम में आता है वो आप सबको पता ही होगा। चलो फिर इसको साइड में रखते हैं। रिचार्जेबल बैटरी Hero 9 Black 10 कंपैक्टेबल, मतलब आई थिंक 9 10 में दोनों में एक ही लगती है, इसीलिए लिखा हुआ 2100 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे। ये बैटरी इसकी आ गई सामने, कैसी लग रही है गोप्रो? ठीक है, ठीक ठाक बैटरी है। देखेंगे दोनों में से किसका बैकअप ज़्यादा है, आई थिंक दोनों बराबर ही देनी चाहिए। और 1 मिनट उसका भी निकालते हैं जो गोप्रो में लगी थी। तो ये बैटरी आप गोप्रो में लगी हुई आई थी, और ये थोड़ा सा दोनों में फ़र्क दिख रहा है पता नहीं क्यों मुझे। और ये तो काफ़ी सॉलिड लग रही है, इसमें ऐसा लग रहा है अलग से स्टिकर लगाए गए हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों है ये सब। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एकदम बराबर है, और ये चलो थोड़ा सा इधर से देखते हैं। तो इसके अंदर है हमारा, यार ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप इतना महंगा सब मंगा रहे हैं, तो थोड़ा सा 1 2 3 तीनों हम लगा लेंगे आराम से। इसके लिए कोई वीडियो वीडियो शूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए बचा हुआ है ये यार, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये सिर्फ 500 रुपीज़ का आया था, और ठीक ठाक है, मतलब बेहतर है, अच्छा है, इतना बड़ा भी हो जाता है। यहाँ से ये निकल के ट्राईपॉड बन जाता है। इसी ट्राईपॉड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगा के, तो इसको दिखा नहीं सकता, बाकी हो सकता है थोड़ी देर में हम फ़ोन हाथ में लेके दिखा दें। तो गाइज़ ये है मेरा ट्राईपॉड, और ये काफ़ी सस्ता था यार। ये देखिए, आप ऐसे भी लगा के इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ में एक ये मिला था मोबाइल होल्डर, और एक ये है, इसके थ्रू आप अपना ये मोबाइल होल्डर भी लगा सकते हैं, और साथ में अपना DSLR भी लगा सकते हैं। एक साथ में ये आया था, और ये ऐसे ही बड़ा हो जाता है, और मतलब ठीक ठाक इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये बटन दबाया और ये बढ़ गया, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। ये देखिए इसकी लंबाई कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ये सब टाइट करना पड़ेगा आपको, सब यहाँ से यहाँ तक।
और इसके साथ में इसका जो ट्राईपॉड है वो आप देख रहे होंगे कि है ही नहीं, लेकिन ये जादू है, वो भी अभी दिखाता हूँ कहाँ से निकलेगा वो। तो वो जादू ये निकला और इसमें तीन डंडे लगे हुए हैं, ये खड़े हो गए, ये इसके ऊपर ये चूड़ी लगी हुई है और ये टाइट हो जाएगा, फिर ये आपका बन गया, ये पूरा आराम से गिरता नहीं है। अभी तो काफ़ी देर से मेरा फ़ोन इसी से रिकॉर्ड चल कर रहा था, इसी पे मैंने लगा रखा था, और ये ऐसे भी बन जाता है, मतलब ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, 500 के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अभी मैंने कैमरे को हेलमेट में सेट कर लिया है और कैसी आवाज़ है कैसा नहीं ये तो पता ही नहीं चल रहा है अभी मुझे। और एक्चुअली मैंने माइक टेस्ट किया था तो माइक तो काम कर रहा था, बट अब कैमरे में लगाने उगाने के बाद फिर देखना पड़ेगा। ये मैंने 4K 25 फ्रेम पर सेकेंड लगाया हुआ है, सुपर व्यू लगाया है, और आई थिंक मेरा जो गोप्रो है वो थोड़ा सा नीचे है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग मतलब वाइड एंगल पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था सही से सब कुछ, और सुपर व्यू पे थोड़ा सा आ रहा है। तो अभी कुछ देर तक हम लोग सुपर व्यू पे सेट करेंगे, उसके बाद फिर वाइड एंगल देखेंगे। तो वाइड एंगल और सुपर व्यू ही मोटो व्लॉग के लिए परफेक्ट होता है। तो थोड़ा दूर तक चलते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, वो तो थोड़ी देर बाद जब वीडियो मैं प्ले करूँगा तब मुझे दिखाई दे देगी। बाय द वे ये स्कूटी है, CBR नहीं निकाली क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था और GoPro भी मेरे पास था, तो हमने सोचा क्यों ना इधर ही इसको टेस्ट कर लिया जाए। और CBR तो कल संडे है, इंशाल्लाह ताला कल मॉर्निंग राइड मारता हूँ GoPro के साथ, तो इसको पूरी तरीके से सेट करने के बाद फिर CBR पे एक प्रॉपर ब्लॉग शूट करेंगे, जिसमें ये ना हो कि हाँ अभी माइक नहीं चल रहा, अभी ये नहीं चल रहा, अभी वो नहीं चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा। अब यहाँ से हम इसको वाइड एंगल पे लगाएंगे, तो अभी हमने इसको वाइड एंगल पे लगाया है और अब देख रहे हैं कि ये कितना व्यू आने वाला है, इसके अंदर फ्रेम भी कितना आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइड एंगल में बहुत कम आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो मेरे जो माउंट कैमरे में लगा हुआ है उसमें है, वो ज़्यादा नीचे है, जिसकी वजह से कैमरा बहुत नीचे है और वो फिर ऊपर का व्यू नहीं ले पा रहा है। हो सकता है मुझे उसको एडजस्ट करना पड़े, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई करता हूँ मैं, जिससे पता चल जाएगा। और ये सब सेट करने के बाद ही CBR पे ब्लॉग होगा, ताकि जब एक बार परफेक्ट ब्लॉग आए उससे। तो ये वाइड एंगल पे है, अब इसमें कितना दिख रहा है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ी देर में इसको रोकेंगे बाइक और फिर देखेंगे कि ये वाइड एंगल पे कितना आ रहा है। मैंने एक बार फिर से 4K 25 फ्रेम पर सेकंड लगाया है और ये फिर से सुपर व्यू है। आई थिंक सुपर व्यू में ही मोटो ब्लॉग का पूरा मज़ा है, और वाइड एंगल में इतना कुछ खास नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बाकी नैरो में लीनियर में सब में कुछ नहीं मज़ा आने वाला, वो सब सिनेमैटिक के लिए और नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए ही होता है। चलते हैं वापस और देखते हैं। तो सैंडिस्क की मेमोरी आ गई है और तभी तो ब्लॉग शूट हो रहा है। तो इसकी मेमोरी के बारे में बता देता हूँ, इसके लिए जो सपोर्टेबल है वो है सैंडिस्क में आती है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम प्लस, एक्सट्रीम प्रो, इन तीन सीरीज में से आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने मंगवाई थी सैंडिस्क एक्सट्रीम 128 GB, इससे क्या ना कि 5K तक ये सपोर्ट करेगी मस्त, बट 5K का कोई मज़ा नहीं है यार, किस डिवाइस में मैं एडिट करूँगा, कहाँ पे क्या करूँगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपने देखा अभी दिन में इसका फुटेज कैसा आ रहा है, क्या मेरी सेटिंग थी, जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता था उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेटिंग की थी। अभी ये पूरी तरीके से रात है और अभी रात के बज रहे हैं लगभग आई थिंक 8:30, और ये नाइट में हमने इसकी जो सेटिंग लगा रखी है वो है 4K 25 फ्रेम और सुपर व्यू, साथ में EV प्लस 0.5, और इसका जो वाइट बैलेंस है वो मैंने 4000K रखा है, और ISO मैक्सिमम 800 है और मिनिमम 100 है, और GoPro का जो इसका कलर है वो मैंने फ्लैट करके रखा है। और तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा इसका आ रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आना चाहिए। अभी मैंने इसमें J माउंट लगाया है, तो हो सकता है कुछ व्यू एंगल चेंज हुआ हो, थोड़ा सा ऊपर हुआ हो, तो मुझे पता नहीं कि ऊपर है क्या है वो। और आज पूरा ब्लॉग स्कूटी पे ही होगा।